आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। कार से जा रहे थे सब इंस्पेक्टर, अचानक पुलिस ने घेरा, कहा तलाशी तो देनी ही होगी, फिर जो हुआ कोई सोच नहीं सकता। बलिया कोतवाली पुलिस जमुआ बंदी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी, पुलिस को तभी बिहार से एक कार आती दिखाई दी। कार के अंदर एक युवती भी बैठी हुई थी। पुलिस ने जैसे ही कार रुकवाई, युवक ने कहा कि वह बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। यूपी पुलिस ने कार की तलाशी ली, तलाशी में जो मिला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। शराब तस्करी में लिप्त बिहार पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। बलिया पुलिस ने पकड़े गए PSI से अवैध शराब की खेप बरामद की है। सब इंस्पेक्टर कार में अवैध शराब लादकर बिहार ले जा रहा था। चेकिंग के दौरान बलिया पुलिस ने SI को शहर कोतवाली क्षेत्र के जमुआ बंदी से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने 121 लीटर अवैध शराब बरामद की। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार SI रवि किशन पाराशर बिहार पुलिस में सारण जिले के थाना जलालपुर में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। दरअसल शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार से अवैध शराब लेकर आ रहा है। पुलिस ने जमुना बांध के चाभी घाट के पास चेकिंग लगाई, इस दौरान एक कार आती नजर आई। पुलिस ने जब कार को रोकने का इशारा किया तो SI पुलिस पर रौब झाड़ने लगा। यूपी पुलिस ने उसे कार की तलाशी देने के लिए कहा। तलाशी के दौरान कार से कई ब्रांड की 121 लीटर शराब बरामद हुई। SI ने बताया कि वह शराब अपनी शादी में इस्तेमाल के लिए लेकर जा रहा था, कार में उसकी मंगेतर भी मौजूद थी। बलिया ASP कृपा शंकर ने बताया कि कोतवाली पुलिस के द्वारा अवैध शराब बरामद की गई है। शराब रवि किशन पाराशर नामक व्यक्ति से बरामद की गई है, जो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने के साथ ही आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।